नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोह। पिछले साल की पटना की बाढ़ अगर आप भूल गए होंगे तो फिलहाल जब सिर्फ 3 दिनों से बिहार में बारिश हो रही है, खास करके पटना में, जो आलम है वो एक बार फिर से यही बताता है कि एक बार फिर से पटना डूब सकती है। वो भी ऐसा कि पथ निर्माण मंत्री हैं नंद किशोर यादव, उनका घर तक डूब चुका है, उनके घर में भी घुटने भर तक पानी जमा है। पानी जल जमा इस बात का कि नहीं होगा, आपके आवास में भी, सरकारी आवास में भी पानी घुस गया प्रेम बाबू? नहीं, मेरे आवास में पानी नहीं घुसा है, अधिकाधिक बारिश के कारण जो हमारे आवास से पानी निकलने का मार्ग है वो किसी कारण से अवरुद्ध हो गया है, और मुझे लगता है जैसे ही वो अवरुद्ध समाप्त होगा बिल्कुल पानी निकल जाएगा। वहीं आपको आम लोगों का भी दर्द सुनाते हैं, जो ये कह रहे हैं कि जब मंत्री का घर डूब सकता है तो फिर आम लोगों की क्या है। सरकार रोज कहती है कि जैसे कि ये हो गया, वह हो गया, कुछ नहीं हो रहा है, हर जगह पानी लग रहा है। अभी पहला बारिश है तभी हाल है, अभी तो पूरा बरसात बाकी है। मंत्री तो बोलते हैं कि जल जमा, अरे मंत्री जी के क्या कहिएगा, मंत्री जी तो बोलबे करेंगे ना, दिक्कत होने जा रही है फिर इस बार लगता है। पूरा पटना डूबेगा, पूरा पटना डूबेगा जो हाल है। देखने सर आपका सामने बोला, इलेक्शन का टाइम आएगा, बोलेगा हम नाली साफ करेंगे, ये करेंगे, लॉकडाउन था उस टाइम कोई साफ करने नहीं हो रहा था, कितना बरसात के टाइम हुआ लोग साफ करना शुरू किया, देखिए ना जरा क्या हो रहा है। अभी हम लोग नाली साफ अपने खुद किए, दुकान के सामने पानी इतना फूल था। आपको बता दें कि खुद नीतीश कुमार ने इस बार बारिश से पहले ही घर से बाहर निकलकर उन्होंने इंस्पेक्शन लिया था, साथ ही वो उन तमाम सम्प हाउस, पंपिंग हाउस, हर जगह वो गए थे ये देखने के लिए कि इस बार बाढ़ का पानी अगर पटना में जमा होता है तो उसे कैसे बाहर निकाला जा सके। लेकिन फिलहाल 3 दिन की बारिशों ने ही पोल खोल दी है कि पटना की स्थिति अभी भी अच्छी नहीं है। अगर यह बरसात लगातार होती रही तो पिछले साल की तरह इस बार भी पटना डूब सकता है।